लिसन रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका विथ माय को पार्टनर अश्विनी. वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर प्रेजेंटेशन एंड आवर टॉपिक इज पोस्टनेटल केयर एंड लैक्टेशन न्यूट्रिशन. बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू थैंक माय एंड गिव माय ग्रेटिट्यूड टू माय गुरुज एल्डर्स एंड माय स्पेशल थैंक्स टू नूतन मैम, डॉक्टर नूतन मैम हु टीचेस अस सो नाइसली. थैंक यू मैम. आवर फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक्टेशन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू मदर हु इज डिलीवर्ड जस्ट नाउ. सो बैलेंस डाइट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मदर. देर शुड बी अ बैलेंस डाइट एंड ब्रेस्ट मिल्क कीप योर बॉडी हेल्दी, बेबी बॉडी हेल्दी एंड इट protect the body baby against allergy, sickness, obesity, infection, all the disease that can happen after the delivery. And it also boosts immunity of your baby. It is best food for your baby overall growth and development. It is also improved bonding between a mother and the baby. So it's very important for baby and mother. And the next is benefit of breastfeeding for mother. Breastfeeding mother or baby दोनों के लिए ही बहुत important part है, क्योंकि breast milk baby की body में एक antibody develop करता है, जिससे baby में जो early delivery के बाद जो diseases होने के chances होते हैं उनको वो बहुत बहुत हद तक reduce कर देता है. So it is very important. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इंक्रीजेस सो मच ऑफ वेट. जब प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि मदर्स की जो वेट है वो बहुत सारा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है. बेबी का भी होता है लेकिन मदर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस देयर वेट एंड इट इज कन्वीनियंट फॉर मदर. ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मदर. It's not need to prepare anymore, so it is very convenient. It's there have no harmful, there has no harmful, and it is easily digestible for baby. So next up, establishment of nutrition. एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, लैक्टेशन स्टार्ट कब होता है? लैक्टेशन स्टार्ट होता है सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्रिमेस्टर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट हो जाता है. एंड द फर्स्ट फीड ऑफ बेबी, द फर्स्ट फीड जब मदर का फर्स्ट फीड है उसे लिक्विड गोल्ड भी कहा गया है. वो इसलिए भी कहा गया है क्योंकि 3 डेज तक यानी 72 आवर्स तक मदर का जो फीड होता है बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कैरेटिन की मात्रा होती है, आई मीन प्रोटीन प्रोटीन ए पाया जाता है. और कैरोटीन की मात्रा के ज़्यादा होने के कारण ही इसका जो कलर होता है मिल्क का वो येलोइश होता है, येलो कलर होता है. तो इट इज़ इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए. तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लेवल होता है वो राइज करता है, जिसकी वजह से मिल्क का जो नंबर ऑफ मिल्क इंक्रीज, लैक्टेशन इंक्रीज होने लगता है. प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है वो प्रोडक्शन लैक्टेशन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है. मदर मिल्क जो आता है वो पहले एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है फर्स्ट डे. सेकेंड डे से इसका फ्लो इंक्रीज होने लगता है और फोर्थ डे आते आते ये मैच्योर मिल्क में बदल जाता है. नेक्स्ट इज पोजिशन, पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. वैसे तो बहुत सारी पोजिशनिंग है, वैसे रेकमेंड की गई है ये 5 जो दिखाई गई है पिक्चर्स में ब्रेस्ट फीडिंग की पोजिशन, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए ही बहुत कंफर्टेबल होती है, जो कि है क्रेड पोजीशन, क्रेडल पोजीशन, क्रॉस क्रेडल पोजीशन, फुटबॉल होल्ड, लेग ब्रेक पोजीशन एंड साइड लेइंग.
न्यूट्रिशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन के लिए मदर को चाहिए कि वो प्रोटीन, रिच प्रोटीन डाइट ले, और पूरे दिन जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेना चाहिए जिससे कि उसे मिनरल्स, बॉडी के जो विटामिन है वो पूरे हो सके, उसे अच्छा प्रोटीन मिल सके। हर्ब्स इंक्लूड करना चाहिए लाइक बाजरी, रागी, दीज काइंड ऑफ हर्ब्स शी कैन इंक्लूड इन देयर फूड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ओवर टू यू अश्विनी। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। माय टॉपिक इज योगा फॉर पोस्ट नेटल हीलिंग। हेलो गर्ल्स, नमस्ते एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। विथ लोड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव फॉर ऑल माय गुरुज एंड डॉक्टर नूतन मैम, आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। स्थिर सुखम आसन, ये ध्यान में रखते हुए सुतिका परिचर्या में, ओके नेक्स्ट स्लाइड, सुतिका परिचर्या में योग और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के लिए सही टाइम हम लोग देखते हैं। इफ इट्स अ वजाइनल डिलीवरी 30 to 45 days आफ्टर द डिलीवरी, एंड इफ इट्स अ सी सेक्शन करीबन 5 to 6 months के बाद, एज पर द लेडीज कंफर्ट एंड हीलिंग वो ये अभ्यास शुरू कर सकती है। दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी यूजफुल इन रीगेनिंग योर स्ट्रेंथ, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, mind and body calmness. It is very good for a bond between the baby and the mother. Sequence kuch is tarah se hona chahiye. Pehle shanti paath, phir sukshma vyayam, phir standing asanas, phir lying down ke is pe pehle peeth pe lete hue jo asan aate hai wo, phir pet pe lete hue asan, phir sitting posture jo hum log banate hai, matlab asanas mein, uske baad mein pranayam, bandha wagaira, और उसके बाद में मेडिटेशन या तो योग निद्रा। आगे बढ़ते हुए बहुत सारे आसन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में कुछ आसन लिए हैं। तो स्टैंडिंग आसनास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड एक्टिवेट कोर मसल्स। उसके बाद में आएगा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन इंक्रीजेस स्टैमिना एंड द बैलेंस ऑफ द लेडी। फिर आएंगे पीठ पे लेटे हुए जो भी लाइंग डाउन के आसन है, उसमें पहला आएगा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन स्ट्रेंथन एब्डोमिनल हेल्थ एंड रिड्यूसेस बेली फैट। और जो भी वायु का दोष, अगर मतलब गैसेस है पेट में, तो ये बहुत जल्दी रिलीफ उसमें करता है। इफ इट इज अ सी सेक्शन डिलीवरी प्लीज बी वेरी माइंडफुल इन दिस आसना। तो चौथा आएगा नौकासन। प्रियंका जी प्लीज हेल्प कीजिए, थैंक यू। तो चौथा आएगा नौकासन, ये रिजुविनेट्स करता है और टोन को रिजुविनेट्स टोन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अच्छी शक्ति प्रदान करता है। फिर पेट पे लेटे हुए आसन में मैंने लिया है भुजंगासन। तो ये स्ट्रेंथन करता है स्पाइन को, चेस्ट को, लंग्स को और एब्डोमिन को। इट इज वेरी गुड फॉर अवर हैंड हेल्थ ऑल्सो, मतलब थोड़े हाथ भी अपने अच्छे हो जाते हैं थोड़ा वीकनेस अगर हो तो। फिर आता है अधो मुख श्वानासन, ये इट रिलीव्स लेग पेन, इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड स्टिम्युलेट्स सर्कुलेशन। अभी बैठे हुए स्थिति में मैंने पर्वतासन लिया है क्योंकि इट हेल्प्स टू अचीव प्रॉपर स्पाइन पोस्चर एंड इंक्रीजेस बैलेंस। इट इज वेरी गुड फॉर ना हैंड स्ट्रेचेस एंड अपने कमर को भी अच्छा स्ट्रेच मिलता है उससे। फिर आठवा जो है वो ये आएगा योग मुद्रा। प्रियंका जी थोड़ा सा स्लाइड, थैंक यू। फिर आएगा ये पहला लास्ट वाला योग मुद्रा। योग मुद्रा स्ट्रेचेज एंड इम्प्रूव्स द पोस्टीरियर मसल्स का हेल्थ, ट्रंक एंड नेक, ये अच्छे उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर जो बाद में मतलब हम लोग करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, तो स्लो एंड स्टेडी ब्रीदिंग ये पहला आएगा। फिर उसके बाद में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, उसमें मतलब अनुलोम विलोम भी आता है। नाड़ी शुद्धि मतलब अनुलोम विलोम। तो एज पर द वेदर कंडीशंस, मतलब समर है या विंटर है उसके हिसाब से, समर है तो शीतली सितकारी चंद्र भेदन, और अगर हम लोग मतलब वहां पे वो सुतिका परिचर्या में विंटर में है अगर हुई है उनकी डिलीवरी, तो सूर्य भेदन इज हाईली रिकमेंडेड। नियमित ओंकार साधना से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं।
और बंध, मूलाधार बंध, जालंधर बंध, अश्विनी मुद्रा, ये बहुत ही अच्छे लाभदायी परिणाम देते हैं। ऑल्सो हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखा था कि एडवांस मुद्रा का अभ्यास भी होना चाहिए। तो वात प्रकोप जो होता है तो उसके लिए वायु मुद्रा और सूर्य मुद्रा बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। उसके बाद में ओवरऑल यूटेरस का जो भी है हेल्थ, उसके लिए शंख मुद्रा, योनि मुद्रा, पूरे माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए हकीनी मुद्रा, ये इसका सबका अभ्यास कर सकते हैं वो। लास्ट में आता है गाइडेड मेडिटेशन, या तो म्यूजिक थेरेपी, या तो शवासन, या योग निद्रा, जो भी हो टाइम के हिसाब से होगा वो। और इससे भी बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड। आई थैंक यू सो मच यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड यू नो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।